विभाग पहुंचा रहा है मेडिकल किट। हज यात्रा पर जाने वाले लोग 31 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और आजादी के अमृत महोत्सव में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कहानी। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। प्रदेश में बूस्टर डोज अभियान के तहत पहले दिन कल 64,000 से भी अधिक लोगों को एहतियाती टीका लगाया गया। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर स्थित टीकाकरण केंद्र में बड़ी संख्या में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग एहतियाती डोज लेने पहुंचे। लाभार्थियों ने इसको सरकार का एक अच्छा कदम बताया। वहीं टीका लेने आए फ्रंटलाइन वर्कर ने कहा कि हम लोग हर दिन वायरस के खतरे से घिरे रहते हैं। 100-100 पेशेंट को रोज हम लोग ये करते हैं, तो उसके बीच में सुरक्षित तो रहना है ना, इसी और लोगों को भी बोलेंगे वो लोग को लेना चाहिए। इससे ये होता है ना, कोरोना का प्रभाव बहुत कम मात्रा में लगता है, इससे आदमी संक्रमित बहुत कम होता है, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना नहीं होता है। बूस्टर जो कल से चालू हुई है सर, जो कि हमारे पास मैक्सिमम लोग लगभग कोई 200-150 के लगभग लोग आके वैक्सीन ले चुके हैं। हमारे पास बहुत लोग अच्छे कंफर्टेबल वैक्सीन लेकर जाकर कुछ देर वेटिंग रूम में बैठकर चल जा रहे हैं। 60+ के बाद सो मनी अदर डिजीजे कंपनी रहती साथ साथ एसोसिएटेड रहता है, तो इसलिए 60+ को प्रेफरेंस दिया गया है। किसी को ब्लड शुगर होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को हार्ट डिजीज होगा, तो इसीलिए 60+ को प्रेफरेंस दिया गया है। उधर मुंगेर में बूस्टर डोज के लिए शहरी क्षेत्र में संग्रहालय के अलावा सभी प्रखंड के PHC में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। जिला प्रतिरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार रोशन ने बताया कि 766 लोगों को बूस्टर डोज दिया गया है। ले चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई फीलिंग नहीं हुआ है। सरकार द्वारा आदेशित है कि आपसे प्रिकॉशनरी डोज दिया जाना है। जो कल तक हमारे जो उनका क्राइटेरिया है कि जिन्होंने सेकेंड डोज के इंटरवल है 9 मंथ या 39 वीक का, तो 39 वैसे लोगों की संख्या हमारे जिले में 9,000 है, जिन्होंने जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, जिनका ड्यूरेशन सेकेंड डोज के बाद 9 मंथ हो गया है, उसकी सूची हम लोगों ने तैयार कर ली है और सभी ब्लॉक को भेज दिया गया है PHC प्रभारी को। और हम लोग आज टोटल 284 जगह पे जिले में वैक्सीनेशन सेंटर कार्य कर रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके कारण सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वे होम आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से प्रदेशवासियों से कोविड अनुकूल व्यवहार करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सरकार ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की गति को तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया, डाक विभाग के सहयोग से संक्रमित मरीजों के घर तक मेडिकल किट भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में डाक विभाग की ओर से नालंदा जिले में आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए घर घर मेडिकल किट पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल किट के तहत मरीजों तक आवश्यक दवाइयां शामिल हैं। डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए मेडिकल किट्स की डिलीवरी की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के बीच एक करार हुआ है कि हमें किट मुहैया कराया गया है। COVID-19 मेडिकल किट है, उसमें दवाएं हैं, तो और हम लोग को सेम डे वो लिस्ट ईमेल के थ्रू प्राप्त हो जाता है स्वास्थ्य विभाग पटना की तरफ से कि कितने को एड्रेस के साथ कि कितने लोग पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं, तो हम लोग उसको एड्रेसिंग करके और उनके घर तक डाकिया के माध्यम से सेम डे उनको डिलीवर करवा रहे हैं।
पटना स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में सभी सुविधाओं से युक्त डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को फिर से शुरू कर दिया गया है। यहां संक्रमित मरीज भी आने शुरू हो गए हैं। उधर बक्सर जिले में भी संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जिले में 102 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी और सिविल सर्जन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर भूपेंद्र ने अपील करते हुए कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, संक्रमित मरीज बहुत जल्द स्वस्थ भी हो रहे हैं। मैं अपील करूंगा लोगों से कि सावधानी जरूर बरतें, सभा या भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं, इसी तरह का भीड़ इकट्ठा कर करके कोई कार्यक्रम नहीं करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। साथ ही मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। किसी भी स्थिति में यदि आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बिहार स्टेट हज कमेटी ने दिशा निर्देश जारी किया है। कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इलियास ने बताया कि इच्छुक लोग इस महीने की 31 तारीख तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था 1 नवंबर को और उससे लास्ट दिया था 31 जनवरी 2022 का, तो ये जो डेट है ये अभी अपनी जगह पर इंटैक्ट है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान से हज का फॉर्म भरा जा रहा है, मगर उसमें उन्होंने एक अपने तरफ से जोड़ के कहा कि अभी तक सऊदी हुकूमत ने कोई वादे डायरेक्शन नहीं दिया है कि किस तरह से वो हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को किस टर्म कंडीशन पर लेंगे, अभी उसकी कोई जानकारी नहीं, तो इसीलिए हम लोग भी ये कोविड के समाचारों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू hey! Next time your pink dress. You're the limit. Limit तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आगे। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है स्वतंत्रता सेनानी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कहानी। जय जवान, जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट हुआ था। बचपन से ही अध्ययन में रुचि रखने वाले शास्त्री जी जूतों के बिना कई मील पैदल चलकर बनारस में अपने स्कूल जाते। गर्मियों में धूप से तपती गलियों से भी वो नंगे पांव गुजरते। उम्र बढ़ने पर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रुचि भी बढ़ी। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए। जनवरी 1921 में जब लाल बहादुर शास्त्री 10वीं कक्षा में थे और उनकी फाइनल परीक्षा में केवल 3 महीने ही बचे थे, उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जनसभा में भाग लिया। विद्यार्थियों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले दिन से ही स्कूल छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। बाद में उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया। यहाँ वो महान बौद्धिक जन और राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आए। लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवक मंडल से आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े। इसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था।
लोक सेवक मंडल के तहत उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी के निर्देश पर तथा कथित पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने अनेक अभियानों का नेतृत्व किया और 7 वर्ष का समय ब्रिटिश सरकार की जेलों में बिताया। ১৯৪৬ में जब कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री को शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने को कहा गया। उन्हें उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव बनाया गया और जल्दी ही वो गृह मंत्री के पद तक पहुंच गए। 1951 में वो नई दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी की सबसे कठिन परीक्षा थी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उन्होंने राजनीतिक नेताओं, नौकरशाही और सशस्त्र सेनाओं के समर्थन से पूरी दृढ़ता, ठोस संकल्प और कुशाग्र नीति के साथ पाकिस्तान की हरकतों का खूब जवाब दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का समुचित जवाब दिया जाएगा। आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा। 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। इससे ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लाल बहादुर शास्त्री की सफलता व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेने की क्षमता में निहित थी। इस महान नेता को हमारा नमन। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती कोविड टीका लगा लेने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों के लिए जब तक अधिक जोखिम ना हो कोविड जांच की आवश्यकता नहीं। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन मौसम में 5,32,86,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कटिहार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर रोको टोको अभियान के तहत मास्क की चेकिंग की। सीतामढ़ी जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के क्रम में सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। दरभंगा पुलिस ने पिछले साल आभूषण दुकान में हुई डकैती के मामले में कुख्यात अंतरराज्यीय गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र से 3 साल पहले गुम हुई एक बच्ची को गूगल मैप के सहयोग से खोजकर उसके परिजनों को सौंप दिया। खगड़िया शहर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत समाहरणालय से अस्पताल रोड तक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में आज से 3रा टेस्ट मैच शुरू।
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर। अभियान के पहले दिन प्रदेश में 64,000 लोगों को दिया गया बूस्टर डोज। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 20,000 के पार। आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों को डाक विभाग पहुंचा रहा है मेडिकल किट। और हज यात्रा पर जाने वाले लोग 31 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन।